नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। सूत्रों के अनुसार हुमनाबाद चेक पोस्ट आरटीओ अधिकारी मंजुनाथ कौरवी पर कई शिकायतें के बाद लोकायुक्त अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया, 2023 तक देश भर में 5G सर्विस पहुँच जाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की केंद्रीय सुरक्षा बहाल, वाई श्रेणी कवर रहेगा। दिल्ली में अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में अगला बजट कौन पेश करेगा, गलत बोले लोग, अपने सुझाव मुझे भेजे। अलीगढ़ सरकारी स्कूल में टीडी डीपीटी वैक्सीन लगाने के बाद 48 बच्चों की तबीयत खराब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। अंकिता मर्डर केस, लंबी पूछताछ के बाद गंगा भोगपुर का पटवारी वैभव प्रताप गिरफ्तार। अब छात्र एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री प्रोग्राम्स की पढ़ाई, UGC ने जारी की गाइडलाइन। लखनऊ BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड में CBI कोर्ट ने 6 आरोपियों पर आरोप तय किया। गुरुग्राम ग्लोबल फॉयल मॉल में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। दिल्ली मोहन गार्डन इलाके में पत्नी की हत्या कर फरार हो गया पति। उत्तराखंड केदारनाथ के पास बर्फ का पहाड़ खिसका, मंदिर को कोई नुकसान नहीं। LPG कीमतों में राहत, दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 25.50 रुपये सस्ता हुआ। जापान के रक्षा मंत्रालय का दावा, उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले और 2 थाना क्षेत्रों में AFSPA का अधिकार 6 महीने और बढ़ाया। शैम्पू परफ्यूम की बोतलें लेकर मुंबई से अहमदाबाद जा रहे ट्रक में वसलाड़ के पास लगी आग। रूस ने मानवीय काफिले पर हमला किया, बच्चों समेत 30 की मौत, यूक्रेन। मुंबई बाइक सवार 2 लड़के ने 4 राउंड फायर किए, 1 की मौत, 3 घायल। दिल्ली में हैवानियत का शिकार हुए बच्चे की मौत, 13 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था मासूम। PM साहब बिल्किस बानो और अंकिता के परिवार से भी मुलाकात कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अरविंद केजरीवाल आज भगवंत मान के साथ गुजरात में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साउथ स्टार सूर्या की फिल्म को मिले 5 नेशनल अवार्ड, गर्व से फूले नहीं समा रही है पत्नी ज्योतिका ने दिखाई तस्वीरें। शॉर्ट्स पहन आमना शरीफ ने दिखाई कातिलाना अदाएं, चेहरे का नूर देख फैंस हुए मदहोश। सलमान खान ने फ्री में की गॉडफादर, मेगा स्टार चिरंजीवी ने कहा भाईजान को सैल्यूट है। साड़ी में टीना दत्ता लगी अप्सरा की खूबसूरत, बंगाली लुक अपना लूट ली महफिल। KP एक्सप्रेस में इतना ही, देखते रहिए KP न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।